हरियाणा के जींद के गांव मनोहरपुर गांव में रात बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया। मूर्ति के बाजू को तोड़ने का मामला सामने आया है। ये घटना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंचे दलित समाज के लोगों का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो सड़कों को जाम कर देंगे। ऐसा है बोला जी, जैसे ही ये हमारे इस मनोहरपुर गाँव के मंदिर के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की जी की स्टैचू जो है इसको किसी शरारती तत्व के द्वारा रात में खंडित किया गया है और जो ये घृणित कार्य किया गया है ये बड़ा ही हमारे समाज को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि जितनी ज़्यादा इन लोगों को पीड़ा दी जाए, क्योंकि आज इस देश में पीड़ा तो पहले ही है। कोई पानी पीने के नाम से मारा जा रहा है, कोई मूछ रखने के नाम से मारा जा रहा है, कोई शिक्षा के नाम से मारा जा रहा है, कोई अच्छे वस्त्र पहनने की वजह से मारा जा रहा है। आज हर प्रकार से हमारा समाज प्रताड़ित है। उसके बाद हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है इसको खंडित किया गया है और इसको प्रशासन को खबर लग चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का बड़ा अधिकारी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया है। लेकिन समाज के भी लोगों को अब धीरे धीरे पता लगने लग रहा है, और जैसे ही जब तक अगर प्रशासन ने इसमें देरी की तो ये नहीं कि ये कितना बड़ा रूप ले सकता है। और मैं ये चाहूँगा कि समय रहते सरकार और प्रशासन अगर इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, ये बाबा साहब का नया स्टैचू, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती। तो किसी का स्टेप उठा जाएगा अगर ये, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी प्रशासनिक अधिकारी का, अगर कोई आकर के हमारे को आश्वासन देता है या बात करता है या स्टैचू की। आपको बता दें कि इस तरह की घटना होना समाज को तोड़ने की साजिश है, और जिस महापुरुष ने भारत गणराज्य में अपना अहम योगदान दिया, संविधान में समान अधिकार दिया, उनकी मूर्ति खंडित करना बुरी सोच दर्शाता है। जींद पुलिस के DSP और SHO मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी। जी, मनोहरपुर गांव की सूचना मिली थी रविदास मंदिर के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया है, जिसके बारे में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको तलाश करके कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जी किस लिए कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर FIR दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो क्या क्या तोड़ा गया है मूर्ति? उसको खंडित किया गया है, जो उसकी बाजू को तोड़ा गया है। तो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? हाँ जी, उसको ट्रेस आउट किया जाएगा जी, और जल्दी जल्दी राउंड अप करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।